कक्षा 8 के लिए आज हम पढ़ेंगे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। पाठ 12 है श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। क्या होते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द? श्रुति सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रुति तथा सम। श्रुति का अर्थ है सुनना तथा सम का अर्थ है समान। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना, और सम यानी समान। श्रुति सम का पूरा अर्थ हुआ सुनने में समान, अर्थात वे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं श्रुति समभिन्नार्थक कहलाते हैं। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्रुति सम सुनने में एक जैसे, भिन्नार्थक जो जिनके अर्थ अलग होते हैं, ऐसे शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। भिन्नार्थक शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है, भिन्न अर्थ वाले। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द वे शब्द हैं जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, परंतु वास्तव में ये शब्द समान नहीं होते हैं। इनमें किसी एक ध्वनि का अंतर होता है जो सुनने में एक जैसा लगता है, जैसे अनल अनल अनिल, अवधि अवधि, अम्ब अम्बु आदि। अब इन सभी शब्दों की रचना देखिए तथा ध्वनियों के अंतर को पहचानिए। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द यहाँ पर है अनल और अनिल। यहाँ पर आपको शब्द में इसको खोल के इसके वर्णों को इसका अंतर बताया हुआ है। अंतर यहाँ पे स्वर का अंतर है, स्वरों का अंतर होता है, बोलने में अंतर होता है। जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनको बोलने में अंतर महसूस होगा, सुनने में भी इनको अंतर महसूस होगा। तो ऐसे जो शब्द हैं जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन अगर हम उनके स्वरों पर ध्यान दें तो उनके उच्चारण में थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, ऐसे शब्द होते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। इस तरह आपने देखा कि इन शब्दों में एक ध्वनि को छोड़कर सभी ध्वनियां समान हैं। यही कारण है कि ये शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर ये शब्द होते भिन्न हैं, इसलिए इनके अर्थ भिन्न होते हैं। नीचे कुछ श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों की सूची दी जा रही है। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं उनके हम अर्थों में अंतर देखेंगे, और जहां पर राइट का चिन्ह लगा हुआ है, राइट हो रहा है, उन शब्दों के हम वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहला शब्द है अंत समाप्ति, अंत नीच। दूसरा अंश भाग या हिस्सा, अंश कंधा। निबंध को छोटे छोटे अंशों में बांटकर लिखना चाहिए। अब तुम्हारे दोनों अंशों पर सारे परिवार का भार है। जैसे ही हम शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हैं उनके अर्थ हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों को याद करें, इनको पढ़ें, तब उनका वाक्य प्रयोग करके अवश्य देखें, जिससे आपको उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा शब्द है अम्ब माँ, अम्बु जल। हे अम्ब मेरी रक्षा करो। अम्बु में जन्म लेने के कारण ही कमल को अम्बुज कहते हैं। अपेक्षा तुलना उपेक्षा निरादर। अर्जुन की अपेक्षा कर्ण बड़ा योद्धा था, कभी किसी की उपेक्षा मत करो। अभिराम सुंदर अविराम लगातार। हिमालय के अभिराम दृश्य को देखकर मन प्रसन्न हो गया। अविराम परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। छठा हमारे पास शब्द है अवध, एक प्रांत का नाम। अवध्य वध के अयोग्य। सातवां शब्द है अविलंब तुरंत, अवलंब सहारा। आकार आकर खान आकार रूप आदि आरंभ आदि अभ्यस्त। आदि काल में मनुष्य इतना सभ्य नहीं था, वह नशे का आदि है, उससे दूर रहना। आसन
बैठने का स्थान, आसन, निकट। उधार, कर्ज, ऋण, उद्धार, कल्याण। मेरे दोस्त ने मुझे 100 रुपए उधार लिए हैं। मेरे दोस्त ने मुझसे 100 रुपए उधार लिए हैं। हे प्रभु, सबका उद्धार कीजिए। उपकार, भलाई, अपकार, बुरा। उर, हृदय, उरु, जंगा, कटक, सेना, कंटक, कांटे। करण, साधन, कर्ण, कुंती पुत्र। करण का वाक्य प्रयोग होगा हिंदी में करण कारक का चिन्ह से है। कर्ण एक बहुत बड़ा दानी था। कुल, वंश, कुल, किनारा। राम का जन्म रघुकुल में हुआ था। कृष्ण यमुना के कुल पर बंसी बजाते थे। कोष, खजाना, कोष, शब्द भंडार। क्षिति, नुकसान, क्षिति, पृथ्वी। चरित, जीवन कथा, चरित्र, आचरण। जरा, बुढ़ापा, जरा, थोड़ा। यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है इसलिए हम इसको बोलेंगे जरा। यह है जरा और यह है जरा। जरा, बुढ़ापा। जरा अवस्था के कारण वे बहुत कमजोर हो गए थे। जरा, थोड़ा, मुझे जरा सी चीनी चाहिए। तरंग, लहर, समुद्र में उठती तरंगों ने मेरा मन मोह लिया। तुरंग, घोड़ा। यदि जीवन में तुरंग की गति से चलोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। द्वीप, टापू। उस द्वीप पर हमने कई विचित्र जानवर देखे। दीप, दीपक। छोटी दीपावली के दिन घी के साथ दीपक जलाने चाहिए। धरा, पृथ्वी। अपने अंदर सब कुछ धारण करने के कारण पृथ्वी को धरा कहते हैं। धारा, बहाव, प्रवाह। उस पहाड़ से अचानक जल धारा निकल पड़ी। निधन, मृत्यु। गांधी जी के निधन का समाचार सुनकर सब शोक में डूब गए। निर्धन, गरीब। निर्धन होने के कारण वह अपनी फीस भी नहीं दे सकता। निर्जल, देवता। निर्जल, झरना। नियत, निश्चित। नियति, भाग्य। निहार, ओस, निहार, देखना। परवाह, चिंता, प्रवाह, बहाव। मैं किसी की परवाह नहीं करता। जल के प्रवाह में सब कुछ बह गया। प्रसाद, देवताओं को चढ़ाया गया सामान। प्रसाद, महल। भव, संसार, भव्य, सुंदर। मेघ, बादल, मेघ, यज्ञ। योग, जोड़। 8 और 2 का योग 10 होता है। योग्य, काबिल। अपने स्कूल के लिए मुझे एक योग्य अध्यापक की तलाश है। वदन, मुख, बदन, शरीर। वसन, वस्त्र, व्यसन, बुरी आदत। व्यंजन, हाथ का पंखा, व्यंजन, खाने के सामान। विजन, सुनसान, वीरान। सूची, तालिका। सभी लोगों के नाम की एक सूची बना लो। शुचि, पवित्र। शुचिता शब्द शुचि शब्द में ता प्रत्यय लगाकर बना है। हास, हंसी। उसने तुम्हारे हास परिहास का बुरा नहीं माना। हास, कमी। आजकल मूल्यों का हास हो रहा है। तो आप इन शब्दों को, अर्थ को समझकर इनको वाक्य में प्रयोग करके देखें। वाक्य में प्रयोग करने के उपरांत ही आप इनके अर्थों को भली प्रकार समझ पाएंगे। धन्यवाद।